वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में मलाई कोफ्ता की सब्जी। ये सभी को बहुत ही पसंद आती है, साथ ही साथ मैं दूंगी कुछ टिप्स। तो चलिए बिना समय गवाए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कोफ्ता। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने 3 से 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को हमें अच्छी तरह से बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है किस तरह देखिए, फोक की मदद से जो आसानी से टूट जाए, इतना हमें इनको बॉईल करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि बॉईल करके आधा घंटा इन्हें फ्रिज में रख दे ताकि इसमें जो नमी है, जो मॉइस्चर है वो निकल जाए और थोड़े से टाइट हो जाए ताकि कोफ्ता बनाने में हमें आसानी रहेगी। अब इसमें हमें ऐड करना है 2 से 3 हरी मिर्च। थोड़ा सा लेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 1 टीस्पून हमें डालना है लाल मिर्च पाउडर। नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, मैं 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूंगी। 1 टीस्पून हमें इसमें डालना है गरम मसाला। अब इसमें लेना है हमें पनीर, तो 100 ग्राम हम इसमें लेंगे पनीर। सभी को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। पनीर को भी आप फ्रिज में रख दें ताकि उसमें जो पानी है वो हट जाए, बिल्कुल पनीर जो है सूखा हो जाए। अब इसमें ऐड करना है हमें मैदा। थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसमें मैदा यूज में लेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसको डो की फॉर्म में लाना है, तो उतना ही मैदा डालना है कि आटा जो है अच्छी तरह से सिमट जाए। ज्यादा हमें मैदा यूज में नहीं लेनी है। इस तरह आप मिक्स करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें मैदा जो है कितने अमाउंट में जाएगा। बस डो जो है हमारा सिमट जाना चाहिए, डो लग जाना चाहिए सॉफ्ट डो। इस तरह देखे इतना हमें लगाना है कि बस इसका डो लग जाए। तो 5 टीस्पून मेरा यहाँ पे इसमें मैदा लगा है। अब मैंने यहाँ पर 5 से 7 काजू लिए हैं इसमें फिल करने के लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई मैदा। अब हमें गोली बनानी है, तो हल्का सा हम मैदे का हाथ लगाएंगे और इसमें से लोई तोड़ेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। हल्का सा हाथ पे हम लगाएंगे और इस तरह हमें इसको गोल शेप देते हुए कोफ्ताज बनाने हैं सारे। आप चाहे तो इस तरह बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं, इस तरह जो आपको पसंद हो। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि थोड़ा सा हम इसको कटोरी के जैसे बड़ा कर लेंगे और इसमें अब हम काजू डालेंगे और इस तरह हम इसको बंद करके वापस से हमें इसको गोल शेप देना है। इस तरह देके दबाते हुए हमें इनको गोल करना है। इस तरह भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बनाएं। इस तरह करते हुए हमें इसको मैदे के अंदर इसकी एक कोट सी बनानी है, एक लेयर सी बनानी है, हल्का सा देखिए इस तरह। और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो अब हम हटा देंगे और इस तरह हमें सारे कोफ्ताज बनाने हैं। इनको अब हम एक प्लेट में रख देते हैं। मैदे की जो हम लेयर बना रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं, ये इसमें एक बाइंडिंग का काम करते हैं। इससे जो है कोफ्ता जब हम फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी जो है टूटेंगे नहीं। यदि ये टूट गए तो सारा तेल हमारा बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। इस तरह एक लेयर देने के लिए, एक कोट देने के लिए हमें इसको इस तरह करना पड़ता है। इस तरह जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हमें निकाल लेना है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी जो है बॉल में क्रेक नहीं आना चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। सभी कोफ्ता हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हमें इनको फ्राई करना है। गैस से मैंने पैन रखा है और तेल ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं तेल अच्छा गर्म हो गया है। तो एक एक करके हम इसमें कोफ्ता ऐड करेंगे। गैस के फ्लेम को अभी मैंने कम कर दिया है। सभी को हम इसमें डाल देंगे। मैं ये सेलो फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हमें इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बिल्कुल हमें इसी तरह कम फ्लेम पे ही पकाना है। अब मैंने करी है गैस की फ्लेम मीडियम, हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इनको फुल फ्लेम पे नहीं पकाना है। यदि फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो ब्राउन तो हो जाएंगे लेकिन अंदर से क्या कच्चे रह जाएंगे, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब इन्हें हम पलट देते हैं। इस तरह छोटे स्पून की मदद से हम इनको पलटेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। इस तरह हम सभी को पलट देंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ताज हमारे फ्राई होने लग गए हैं, कहीं से भी फटे नहीं है, कितने अच्छे जो है हमारे फ्राई हो रहे हैं।
जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके का यदि आप फॉलो करेंगे तो आपके भी कोफ्ता जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे। इस तरह एक दो बार हम इन्हें अलट पलट कर देंगे, आप देख सकते हैं कोफ्ता जो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे कलर आया इनपे। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, तो चलिए एक एक करके हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे बने, आप देख सकते हैं सभी को अब हम निकाल लेंगे। तो अब हमें बनानी है ग्रेवी, थोड़ा तेल इसमें से अब हम निकाल लेंगे। मैंने इसमें 1 टीस्पून तेल ही रखा है। इसमें अब हमें ऐड करना है काली मिर्च, 5 से 6 डालेंगे हम इसमें काली मिर्च, 3 से 4 हमें डालने हैं लौंग, 2 से 3 हमें डालनी है दालचीनी, थोड़ा सा हमें डालना है तेजपात के पत्ते, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ली है अदरक, 10-15 मैंने यहाँ पर लिए है काजू, 1 लिए मैंने हरी मिर्च, 2 मैंने लिए मीडियम साइज के टमाटर, इनको धो के अच्छी तरह से काटना है, 2 मैंने यहाँ पर लिए हैं कट किए हुए प्याज। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी फ्लेम को मैंने यहाँ पर फुल कर दिया है, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं नमक, ताकि टमाटर जो है जल्दी से गल जाए। नमक डालने से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको अब हम ढक कर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 5 मिनट हमें इनको पकाना है, तो 5 मिनट हो गए हैं और टमाटर भी जो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। गैस की फ्लेम को अब बंद कर देते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे तो हमें मिक्सी में ग्राइंड करके इनका हमें पेस्ट तैयार करना है। यहाँ पर मैंने लिया है बाउल, अब प्यूरी को हम इसमें छान लेंगे। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है, ऐसा करने जो एक्स्ट्रा रेसेस है वो भी हट जाएंगे और टेस्ट भी जो है बहुत ही अच्छा आएगा। प्यूरी बनकर हमारी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। पीसने में आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए ताकि पीसने में आसानी हो। गैस पे मैंने वही पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल, 2 टेबल स्पून हमें इसमें तेल ऐड करना है, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे बटर। मेल्ट होने लग गया है, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। जैसे ही हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हमारी प्यूरी भी इसमें हम ऐड कर देंगे और सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालने से कलर अच्छा आता है, चाहे तेल हो, घी हो या बटर हो, यदि हम शुरू में ही लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दे तो उससे जो है ग्रेवी का कलर अच्छा आता है। अब बाद में लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं करें, शुरुआत में ही घी, तेल या बटर में कर दें, जिससे हमारी सब्जी का कलर अच्छा आएगा, सब्जी जो है अच्छी दिखेगी। 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर, सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून हमें लेना है हल्दी पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून हमें ऐड करना है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से सब्जी में खुशबू अच्छी आती है। मिक्स करेंगे और ढककर हमें इसको पकाना है। 5 मिनट हो गए, हम चेक कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया कसूरी मेथी, अभी इसमें हम डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है टोमेटो सॉस, ये इसमें अब डाल देंगे। सभी को मिक्स करेंगे। टोमेटो सॉस डालने से जो है सब्जी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। 1/4 कप मैंने यहाँ पर लिए क्रीम भी हम इसमें डाल देते हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं क्रीम डालने से सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। ढककर हमें 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए सब तेल जो है साइड से छूटने लग गया है, ऑयल जो है पैन की साइड छोड़ने लग गया है। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, हमें इसको इतना ही पकाना है। गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देते हैं। कोफ्ता जो है हम इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो पनीर और आलू से बने हुए हैं तो बहुत सॉफ्ट है, अभी से ऐड करेंगे तो वो उसमें मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो ये देखिए कोफ्ता भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं और ग्रेवी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व करते हैं। ग्रेवी हमने डाल दी है, धनिया पत्ते से हम करेंगे इसकी गार्निश और थोड़ी सी हम लगा देते हैं ऊपर से क्रीम, जिससे बिल्कुल जो है हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल का लुक आएगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कोफ्ताज हमारे बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ताज आज हमने बनाए हैं। बहुत ही टेस्टी हमारे मलाई कोफ्ते की सब्जी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की, आप देख सकते हैं। तो आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो प्लीज मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप उसे लाइक करें और कमेंट करें और बताएं कि आपके कोफ्ताज कैसे बने हैं, और शेयर करना न भूलें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।